हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम क्लासेस इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ एनसीआर टी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर थर्टीन की एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन में हमसे कहा गया है द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर यानी कि यहाँ पर हमें जो ये ग्राफ दिया गया है इसमें हमें किसी पेशेंट का एवरी आवर का यानी हर घंटे में उसका कितना टेम्परेचर था वो यहाँ पर शो किया गया है अब इसे ध्यान से देखिए ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ठीक है यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पर हमें टाइम दिखाया गया है यानी कि नाइन ए एम टेन ए एम इलेवन ए एम आगे बढ़ते बढ़ते यह थ्री पी एम तक आता है और यहाँ वाई एक्सिस पर हमें टेम्परेचर दिखाया गया है थर्टी फोर डिग्री सेल्सियस थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस और ये जो आप देख रहे हैं इसको किंग कहते हैं या जिक जैग भी कहते हैं जो कि हमने इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में आपको समझाया था ये इस चीज को शो करता है कि जो यहाँ पर ये इंटरवल है ये सेम चल रहा है देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो यहाँ पर इसका ये मतलब होता कि पहला गैप तो 34 का है उसके बाद एक एक का गैप है 35, 34, 35, 36, 37। लेकिन वो गलत हो जाता तो ये किंग क्या क्या दिखाता है क्या शो करता है कि ये जो ग्राफ है इसमें ये जो इंटरवल चल रहा है वाई एक्सिस पे शुरू से ही वन वन का ही इंटरवल चल रहा है ये इस चीज को शो करता है अब देखिए नाइन ए एम पर कितना टेम्परेचर होगा यहां पर इतना टेम्परेचर ये पॉइंट यहां पर आता है वाई एक्सिस पे 35 और 36 के मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे 35 और 36 में एक का गैप है एक का आधा कर दीजिए यानी कि पॉइंट फाइव तो ये होता है 35.5। तो 9 ए एम पर कितना टेम्परेचर है 35.5। टेन ए एम पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना है थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस उसके बाद इलेवन ए एम पर कितना टेम्परेचर है थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस फिर ट्वेल्व नून पर कितना टेम्परेचर है थर्टी एट और थर्टी नाइन के मिड में यानी के थर्टी एट पॉइंट फाइव फिर एक बजे वन पी एम कितना टेम्परेचर है थर्टी सिक्स और थर्टी सेवन के बीच में यानी के यहाँ पर थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव टू पी एम पर भी देखिए वही सेम टेम्परेचर है थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव और 3 पीएम पर कितना टेम्परेचर है 37 सेवन डिग्री सेल्सियस अब ए पार्ट में हमसे पूछा गया है वट वॉज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 पीएम, यानी कि जब 1 पीएम का टाइम था तब पेशेंट का टेम्परेचर कितना था देखिए ये है वन पीएम वन पीएम पे यहां तक आइए ये देखिए इतना टेम्परेचर है यहां पर देखिए थर्टी सिक्स और थर्टी सेवन के मिड में यानी कि वन पी एम पे जो टेम्परेचर था वो थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस अब यहां पर देखिए ए पार्ट का जो हम, आंसर हम लिखेंगे वो होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 पी पर कितना टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस उसके बाद बी पार्ट में हमसे क्या कहा गया है पेशेंट टेम्परेचर थर्टी एट पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस यानी कि वो कौन सा टाइम था जब पेशेंट का टेम्परेचर थर्टी एट पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस था अब यहां पर देखिए थर्टी एट पॉइंट फाइव कहां पर आएगा थर्टी एट और थर्टी नाइन के मिड में यानी कि यहां पर अब इधर आइए यहां पर यह टेम्परेचर है 38.5 डिग्री सेल्सियस और ये कितने बजे है यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था ये था 12 बजे था दोपहर को यानी कि 12 नून तो इसका जो आंसर यहाँ पर आप लिखेंगे वो होगा 12 नून यानी कि दोपहर के 12 बजे पेशेंट का टेम्परेचर था थर्टी डिग्री सेल्सियस अब इसके बाद सी पार्ट में हमसे पूछा गया है द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम टू टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन वट वर दीज टू टाइम्स यानी कि जो ग्राफ आपको दिखाया गया है इसमें दो बार पेशेंट का टेम्परेचर सेम आता है तो हमें बताना है कि वो कौन से दो टाइम है जब पेशेंट का टेम्परेचर सेम था अब यहां पर देखिए ये दो टेम्परेचर देखिए ये टेम्परेचर कितना है 36 और 37 के मेड में यानी के 36.5 और ये टेम्परेचर भी सेम है 36.5 तो ये दोनों टेम्परेचर सेम है और टाइम क्या है 1 पीएम एंड 2 पीएम यानी के 1 पीएम पे भी टेम्परेचर यही था 36.5 और 2 पीएम पे भी टेम्परेचर था 36.5 डिग्री सेल्सियस तो यहां पर हम लिखेंगे वन पीएम एंड टू पी एम यानी वन पी एम पर और टू पीएम पर यह दो टाइम ऐसे थे जब पेशेंट का टेम्परेचर सेम था उसके बाद डी पार्ट में हमसे पूछा गया है वट वॉज द टेम्परेचर एट वन थर्टी पीएम यानी कि जब डेढ़ बजे का टाइम हुआ वन थर्टी पीएम हुआ तब पेशेंट का टेम्परेचर कितना था हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर और आपको ये आंसर कैसे पता चला अब देखिए यहां पर आप देखिए कि 130 आपको कहां नजर आता है ये 1 पीएम है ये 2 पीएम है 1 और 2 के मिड में ये ये 130 है इसमें ऊपर की तरफ आइए y एक्सिस की तरफ तो यहां पर आपको क्या नजर आएगा ये पॉइंट और यहां पर कितना टेंपरेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि जब 130 टाइम था तब पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस था तो यहां पर इसके आंसर में हम लिखेंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस उसके बाद ई पार्ट में हमसे कहा गया है ड्यूरिंग विच पीरियड्स डेट द पेशेंट्स टेम्परेचर शॉर्ट एंड अपवर्ड ट्रेंड यानी कि वो कौन कौन सा टाइम था वो कौन कौन सा पीरियड था इस ग्राफ में जो आप देख सकते हैं जब पेशेंट का टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा था अपवर्ड ट्रेंड में था देखिए आप यहां पर देखिए नाइन ए एम पर टेम्परेचर है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस टेन ए एम पर ऊपर की तरफ गया और थर्टी सिक्स हो गया यानी कि यहां पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक तो नाइन ए एम से टेन ए के बीच में ये ऊपर की तरफ गया ये हमें एक आंसर मिला अब देखिए टेन ए पर है थर्टी सिक्स और इलेवन ए पर कितना हो गया थर्टी नाइन यहाँ पर भी ऊपर की तरफ गया ये भी हमारे आंसर में आ जाएगा अब यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है यहां पर भी टेम्परेचर कम हो रहा है यहाँ टेम्परेचर स्टेबल है तो ये तीन पार्ट हमारे आंसर में नहीं होंगे फिर यहाँ पर एक बार फिर टेम्परेचर ऊपर गया यानी कि थर्टी से गया थर्टी तक तो ये भी हमारे आंसर में आएगा कि यहाँ पर भी ये जो टेम्परेचर है वो ऊपर जा रहा है है तो हमें तीन आंसर जो यहां पर देखने हैं वो ये होंगे 9 एम टू 10 एम 9 से 10 बजे जो टेम्परेचर था वो अपवार्ड गया ऊपर की तरफ गया फिर 10 एम टू 11 एम इस पीरियड में भी जो टेम्परेचर था ऊपर की तरफ गया फिर 2 पीएम टू 3 पीएम यानी कि दो बजे से लेकर तीन बजे के बीच में भी जो टेंपरेचर था वो ऊपर की तरफ गया तो इस क्वेश्चन के ई पार्ट के हमारे यहां पर ये तीन आंसर बनेंगे क्वेश्चन नंबर टू में हमें ये लाइन ग्राफ दिया गया है और हमसे कहा गया है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ दाइन क्राफ्ट शोसली सेल फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि यहाँ पर हमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो इयरली सेल होती है यानी हर साल उस कंपनी की कितनी सेल हुई ये हमें बताया गया है जैसे कि यहाँ एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं हमें ईयर्स दिए गए हैं और वाई एक्सिस पर सेल इन रूपीज करोड़ दी गई है जैसे कि 2002 में कितनी सेल थी फोर करोड़ 2003 में कितनी सेल थी सिक्स और सेवन के मिड में यानी कि सेवन करोड़ 2004 में कितनी सेल थी सिक्स करोड़ 2005 में कितनी सेल हुई 10 करोड़ और 2006 में कितनी सेल हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 करोड़ अब यहाँ पर ए पार्ट में हमसे पूछा गया है टू थाउजेंड टू में कितनी सेल हुई और टू थाउजेंड सिक्स में कितनी सेल हुई तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 2002 में सेल हुई फोर करोड़ और 2006 में कितनी सेल हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं एट करोड़ तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर है रुपीज फोर करोड़ और सेकंड पार्ट का आंसर है रुपीज एट करोड़ यानी 2002 में सेल हुई रुपीज फोर करोड़ की और 2006 में कितनी सेल हुई रुपीज एट करोड़ उसके बाद बी पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट वर सेल्स इन 2003 एंड 2005 यानी 2003 में कितनी सेल हुई और 2005 में कितनी सेल हुई अब देखिए 2003 में यहां पर देखिए सिक्स और सेवन का मेड यानी के सेवन करोड़ 2003 में सेल हुई सेवन करोड़ और 2005 में कितनी सेल हुई यहां पर देखिए टेन करोड़ तो यहां पर फर्स्ट पार्ट का यानी 2003 में कितनी सेल हुई उसका हमारा आंसर रहेगा रुपीस सेवन करोड़ और 2005 में कितनी सेल हुई उसका आंसर रहेगा रुपीस टेन करोड़ इसके बाद डी पार्ट में हमसे पूछा गया है इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर यानी कि इस पूरे ग्राफ में हमें डाटा चेक करना है और ये बताना है वो कौन सा ईयर था वो कौन सा साल था जब उस साल की सेल में और उस सा, और पिछले साल की सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस था देखिए स्टूडेंट्स जैसे 2002 में कितनी सेल हुई फोर करोड़ और 2003 में ये सेवन करोड़ तो कितना डिफरेंस आया इन दोनों में सेवन और फोर का डिफरेंस कितना हुआ थ्री करोड़ का डिफरेंस हुआ फिर देखिए 2004 में कितनी सेल हुई सिक्स करोड़ यहां था सेवन यहां सिक्स तो कितना डिफरेंस आया वन करोड़ का अब देखिए 2004 में सेल हुई सिक्स करोड़ 2005 में हुई टेन करोड़ यानी सिक्स से टेन यहाँ कितना डिफरेंस आ गया फोर करोड़ का अभी तक तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है फिर नेक्स्ट ईयर टू में हुई एट करोड़ टेन और एट में कितना डिफरेंस होता है दो करोड़ का टू करोड़ का तो सबसे बड़ा डिफरेंस है यहां पर यानी कि टू में जो सेल थी वो सिक्स करोड़ थी 2005 में जो सेल थी वो 10 करोड़ थी तो 2005 2005 हमारा आंसर होगा। 2005 वो ईयर है जिस साल की सेल पिछले साल के कंपैरिजन में यहां पर जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा 2005। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे कहा गया है फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी Two different plants, plant A and plant, plant B, were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for three weeks. The results are shown by the following graph. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक लेबोरेटरी में दो सिम, दो प्लांट्स को दो डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो किया गया एक प्लांट को नाम दिया प्लांट ए और दूसरे को नाम दिया प्लांट बी उसके बाद हर हफ्ते के एंड में एट द एंड ऑफ ईच वीक तीन वीक्स तक थ्री वीक्स तक एक वीक कंप्लीट होने पर चेक किया गया कि दोनों प्लांट्स की कितनी ग्रोथ हुई जैसे कि फर्स्ट वीक का एंड हुआ तो चेक किया कि प्लांट ए प्लांट बी की कितनी ग्रोथ हुई है फिर सेकेंड वीक का एंड हुआ फिर चेक किया कि दोनों

और यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पर वीक्स दिखाए गए हैं ये फर्स्ट वीक का एंड हुआ ये सेकंड वीक का एंड हुआ ये थर्ड वीक का एंड हुआ और वाई एक्सिस पर हमें हाइट इन सेंटीमीटर दिखाई गई है यहां पर दोनों की स्टार्टिंग हुई वन वीक यहां पर कंप्लीट हुआ अब देखिए ये ग्राफ है जो अनब्रोकन लाइन है प्लांट बी का और ये है प्लांट ए का जब वन वीक पूरा हुआ तो प्लांट ए की हाइट हो गई थी टू सेंटीमीटर और प्लांट बी की हाइट कितनी हो गई थी ये जीरो है ये टू है जीरो और टू के मिड में क्या होता है वन तो जब एक हफ्ता पूरा हुआ तो प्लांट ए की हाइट टू सेंटीमीटर हो गई थी और प्लांट बी की हाइट वन सेंटीमीटर हो गई थी जब सेकेंड वीक कंप्लीट हुआ तो दोनों प्लांट्स की एक ही हाइट थी सिक्स और सेवन के मिड में यानी कि सेवन सेंटीमीटर यानी कि जब सेकेंड वीक पूरा हुआ तो दोनों प्लांट्स की हाइट थी सेवन सेंटीमीटर उसके बाद यहां पर थर्ड वीक पूरा हुआ तो प्लांट ए की हाइट कितनी है एट और टेन के मिड में यानी कि नाइन सेंटीमीटर और जब थर्ड वीक पूरा हुआ तो प्लांट बी की जो हाइट थी वो कितनी हो गई थी टेन सेंटीमीटर अब यहां पर थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ हाई वोस प्लांट ए आफ्टर टू वीक्स एंड थ्री वीक्स यानी कि जो प्लांट ए है सेकंड वीक के बाद उसकी हाइट कितनी थी और थर्ड वीक के बाद इस प्लांट ए की हाइट कितनी थी तो यहां पर देखिए प्लांट ए की बात हो रही है प्लांट ए ये जो डॉटेड लाइंस है तो यहां पर जब सेकंड वीक पूरा हुआ तो प्लांट ए की हाइट कितनी थी सेवन सेंटीमीटर और जब थर्ड वीक पूरा हुआ तब प्लांट ए की हाइट कितनी थी देखिए नाइन सेंटीमीटर एट और टेन के बीच में नाइन सेंटीमीटर तो यहां पर हमारे ये दो आंसर आएंगे सेकेंड वीक जब कंप्लीट हुआ तब प्लांट ए की हाइट थी सेवन सेंटीमीटर और जब थर्ड वीक का एंड हुआ तब प्लांट ए की हाइट हुई नाइन सेंटीमीटर इसके बाद बी पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ हाई वॉच प्लांट बी आफ्टर टू वीक्स एंड थ्री वीक्स यानी कि जब सेकेंड वीक कंप्लीट हो गया तब प्लांट बी की हाइट कितने थे और जब थर्ड वीक कंप्लीट हो गया तब प्लांट बी की हाइट कितने थे अब यहां पर देखिए स्टूडेंट के हाइट कितनी है सिक्स और सेवन के मिड में यानी कि सेवन सेंटीमीटर और जब थर्ड वीक कंप्लीट हुआ तब ये जो प्लांट बी है इसकी हाइट कितनी है यहां पर आप देख सकते हैं टेन सेंटीमीटर तो यहां पर हम लिखेंगे अपने आंसर में फर्स्ट पार्ट के लिए सेवन सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट के लिए टेन सेंटीमीटर यानी कि सेकंड वीक जब एंड हुआ तब हाइट थी प्लांट बी की सेवन सेंटीमीटर और जब थर्ड वीक एंड हुआ तब प्लांट बी की हाइट हो गई टेन सेंटीमीटर इसके बाद सी पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मच डेड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक यानी कि थर्ड वीक में प्लांट ए ने कितना ग्रो किया थर्ड वीक में प्लांट ए की हाइट कितनी बढ़ी ये हमें बताना है अब देखिए थर्ड वीक यहां से यहां तक है ठीक है देखिए यहां पर ये फर्स्ट वीक पूरा हो गया यहां पर ये सेकंड वीक कंप्लीट हो गया और यहां से ये थर्ड वीक है पूरा तो जब थर्ड वीक की स्टार्टिंग हुई तब प्लांट ए की हाइट थी सिक्स और एट के मिड में यानी के सेवन सेंटीमीटर और जब थर्ड वीक पूरा हो गया तब प्लांट ए की हाइट कितनी आ गई एट और नाइन के मिड में यानी कि नाइन सेंटीमीटर तो ये जो थर्ड वीक है इसमें प्लांट ए की हाइट सेवन से कहां तक पहुंची नाइन तक तो कितनी ग्रोथ हुई टू सेंटीमीटर की तो देखिए जब ये थर्ड वीक स्टार्ट हुआ तो हाइट थी प्लांट ए की सेवन सेंटीमीटर और जब थर्ड वीक कंप्लीट हो गया तो हाइट पहुंच गई इसकी नाइन सेंटीमीटर तो नाइन माइनस सेवन करेंगे तो आपको मिलेगा टू सेंटीमीटर यानी कि थर्ड वीक में प्लांट ए ने कितना ग्रो किया टू सेंटीमीटर तो यहां पर इस आंसर में सी पार्ट के आंसर में आप लिखेंगे टू सेंटीमीटर इसके बाद डी पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू दी एंड ऑफ द थर्ड वीक यानी कि जब सेकेंड वीक का एंड हुआ और जब थर्ड वीक का एंड हुआ तो इसके बीच में प्लांट बी ने कितना ग्रो किया ये हमें बताना है अब यहां पर देखिये स्टूडेंट्स यहां पर सेकेंड वीक का एंड हुआ और यहां पर प्लांट बी की हाइट कितनी थी सेवन सेंटीमीटर और यहां पर थर्ड वीक का एंड हुआ यहां प्लांट बी की हाइट कितनी है आप देख सकते हैं टेन सेंटीमीटर तो कितनी ग्रोथ हुई सेवन से टेन यानी कि थ्री सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई तो यहां पर देखिए जब सेकंड वीक का एंड हुआ तो प्लांट बी की हाइट थी सेवन सेंटीमीटर थर्ड वीक का एंड हुआ तो प्लांट बी की हाइट हो गई टेन सेंटीमीटर टेन माइनस सेवन करेंगे तो आपको मिलेगा थ्री सेंटीमीटर तो यहां आंसर में आप लिखेंगे थ्री सेंटीमीटर यानी कि सेकेंड वीक के एंड में और थर्ड वीक के एंड में इस बीच में जो पीरियड था उसमें प्लांट बी की ग्रोथ हुई थ्री सेंटीमीटर इसके बाद ई पार्ट में हमसे कहा गया है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट यानी कि वो कौन सा हफ्ता था फर्स्ट सेकेंड या थर्ड वो कौन सा वीक था जिसमें प्लांट ए की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई अब यहाँ पर देखिए यहां फर्स्ट ये वीक है यहाँ पर स्टार्टिंग हुई जीरो से फर्स्ट वीक जब एंड हुआ तो ये जो प्लांट ए है प्लांट ए देखिए ये डॉटेड लाइन वाला प्लांट ए है तो जब फर्स्ट वीक का एंड हुआ तो प्लांट ए की हाइट कितनी थी टू सेंटीमीटर तो फर्स्ट वीक में तो टू सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई अब ये सेकंड वीक है टू से कहां पहुंच गया देखिए ये सेवन सेंटीमीटर तक यानी कि फाइव सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई अब थर्ड वीक में देखते हैं फाइव से कहां तक पहुंच गया ये देखिए नाइन तक यानी कि यहां पर फोर सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई तो यहां फोर सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई फर्स्ट वीक में हुई थी टू सेंटीमीटर की और सेकंड वीक में हुई थी फाइव सेंटीमीटर की जो कि टू से पहुंचा था सेवन तक तो यहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई प्लांट ए की सेकेंड वीक में जो पांच सेंटीमीटर थी तो यहां पर इसके आंसर में हम लिखेंगे सेकेंड वीक यानी कि सेकेंड वीक में प्लांट ए की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई इसके बाद एस पार्ट में हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग विच वीक डेड प्लांट बी ग्रो रेस्ट यानी वो कौन सा वीक था जिसमें प्लांट बी की सबसे कम ग्रोथ हुई अब ये हमें यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वीक देखिए कैसे प्लांट बी का ये वाला ग्राफ है ये जो अनब्रोकन लाइन वाला नहीं ये वाला जो कंप्लीट लाइन वाला है ये वाला प्लांट बी का ग्राफ है तो फर्स्ट वीक में देखिए जब फर्स्ट वीक का एंड यहां पर हुआ तो जीरो से कहां तक पहुंचा प्लांट बी यहां आप देख सकते हैं वन तक जीरो और के मिड में क्या होता है सेंटीमीटर तो प्लांट बी की फर्स्ट वीक में जो ग्रोथ थी वो सिर्फ वन सेंटीमीटर थी सेकंड वीक में देखेंगे तो वन से कहां तक पहुंच गई सेवन तक यानी के वन से सेवन तक सिक्स सेंटीमीटर का फर्क पड़ गया इतनी ग्रोथ हो गई और थर्ड वीक में देखेंगे तो सेवन से कहां तक पहुंच गई टेन सेंटीमीटर तक देखिए टेन सेंटीमीटर तक थ्री सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई तो सबसे कम ग्रोथ हुई थी यहां फर्स्ट वीक में जब जीरो से वन तक पहुंचा था तो इसका जो आंसर रहेगा वो है फर्स्ट वीक यानी फर्स्ट वीक में प्लांट बी की सबसे कम ग्रोथ हुई थी इसके बाद जी पार्ट में हमसे पूछा गया है वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर स्पेसिफाई यानी के इन थ्री वीक्स में कभी ऐसा हुआ जब दोनों प्लांट्स की हाइट सेम हो गई हो यह हमें चेक करके बताना है तो ऐसा हुआ है जब सेकेंड वीक का एंड हुआ देखिए सेकेंड वीक का जब एंड हुआ तो दोनों प्लांट्स की सेम हाइट थी सिक्स और एट के मिड में यानी के सेवन सेंटीमीटर यहां तो दोनों की हाइट अलग अलग है यहां पर भी दोनों की हाइट अलग अलग है यहां सेकेंड वीक के एंड पर दोनों प्लांट्स की हाइट सेम है सेवन सेंटीमीटर तो यहां पर आंसर में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक यानी कि जब सेकेंड वीक का एंड हुआ तब इन दोनों प्लांट्स की जो हाइट थी वो सेम हो गई थी क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कहा गया है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर इच डे ऑफ अ वीक अब यहाँ पर हमें दो तरह के ग्राफ दिखाए गए हैं ये जो डोटेड लाइन वाला ग्राफ है ये हमें टेम्परेचर फोरकास्ट का ग्राफ दिया गया है टेम्परेचर फोरकास्ट क्या होता है जो ये वेदर डिपार्टमेंट बताता है कि अंदाजा लगाता है कि आज इतना टेम्परेचर रहेगा आज इतना टेम्परेचर रहेगा और ये जो अनब्रोकन लाइन है ये हमें दिखाएगा एक्चुअल टेम्परेचर यानी कि एक्जैक्टली कितना टेम्परेचर रहा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर डेज दिखाए गए हैं एक वीक के डेज हैं।

वेदर डिपार्टमेंट ने कहा कि आज जो टेम्परेचर रहेगा वो 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर कितना रहा एक्चुअल उस दिन रहा 15 और 20 के मिड में देखिए 15 और 20 का जो गैप है बीच में वो 5 का गैप है 5 का हाफ कितना होता है टू तो 15 में 2.5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 17.5 यानी कि मंडे को उस जगह का जो टेम्परेचर था वो था 17.5 डिग्री सेल्सियस और फोरकास्ट कितना हुआ था अंदाजा कितना लगाया था फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस का तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को पढ़ेंगे जैसे कि ट्यूसडे को जो टेम्परेचर फोरकास्ट था वो था 20 डिग्री सेल्सियस और एक्चुअल टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस ये रात दोनों सेम हो गए वेटनसडे को आप देखेंगे तो टेम्परेचर फोरकास्ट था 25 और जो एक्चुअल था वो उस दिन कितना रहा 30 का रहा 30 डिग्री सेल्सियस और यहां पर आपको ये वाई एक्सिस की वैल्यूज को भी ध्यान से देखना है देखिए यहां पर जीरो है और ये फाइव है तो इनके मिड में क्या आएगा 2.5 पॉइंट फाइव ऐसे ही यानी कि यहां पर जो गैप ऐसे चलेगा वो इस तरीके से आपने चेक करना है कि ये 5 है और ये 10 है तो पांच का गैप है तो 5 का हाफ क्या होता है 2.5 तो 5 के ऊपर जाएंगे तो ये मिड पॉइंट क्या मिलेगा 7 7.5 ऐसे 10 और 15 के बीच में क्या मिलेगा 12.5 पॉइंट और ट्वेंटी के बीच में क्या मिलेगा सेवनटीन ऐसे ट्वेंटी और ट्वेंटी के बीच में क्या मिलेगा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और थर्टी के बीच में क्या मिलेगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव इसको भी आपने ध्यान में रखना है तो यहां पर ए पार्ट में हमसे कहा गया है ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल देशर यानी कि इस पूरे वीक में वो कौन से दिन थे जब फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम थे यानी कि जो अंदाजा लगाया गया था टेम्परेचर का वो वाला टेम्परेचर और जो एक्चुअल टेम्परेचर रहा वो सेम हुए ये ऐसा इस वीक में कब कब हुआ ये हमें बताना है तो इसके तीन आंसर आएंगे ट्यूसडे फ्राइडे एंड संडे अब हम इन तीनों आंसर को यहां पर चेक करते हैं देखिए ट्यूजडे में देखिए ट्यूसडे पे ये दोनों टेम्परेचर सेम है यानी कि फोरकास्ट टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है और एक्चुअल टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस ही है उसके बाद बाकी में आप देखिए ऐसे मंडे को दोनों डिफरेंट है वेडनेसडे को दोनों डिफरेंट है थर्सडे को दोनों डिफरेंट है लेकिन फ्राइडे को फिर से दोनों सेम हो गए फ्राइडे को जो फोरकास्ट uh, टेम्परेचर था वो था फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस ठीक है और जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो भी 15 डिग्री सेल्सियस ही था सैटरडे को दोनों डिफरेंट है लेकिन संडे को दोनों फिर से सेम हो गए संडे को फोर कास्ट टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस और एक्चुअल टेम्परेचर भी 35 डिग्री सेल्सियस ही था तो ट्यूसडे फ्राइडे और संडे ये तीन दिन ऐसे थे जब फोर कास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर ये दोनों सेम थे तो यहां तीन आंसर है ट्यूजडे फ्राइडे एंड संडे इसके बाद बी पार्ट में हमसे कहा गया है वट वॉज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक यानी कि इस पूरे वीक में जो मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर था जैसे कि वेदर फोरकास्ट ने जो सबसे मैक्सिमम अंदाजा लगाया कि टेम्परेचर इतना हाइएस्ट जा सकता है वो कौन सा दिन था इस पूरे वीक में तो इसका आंसर है 35 फाइव डिग्री सेल्सियस यानी कि जो मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर है वो 35 फाइव डिग्री सेल्सियस जज किया गया अंदाजा लगाया गया यहां पर हम इसको ग्राफ में देख सकते हैं अगर आप मंडे में देखेंगे तो जो वेदर फोरकास्ट देखिए डॉटेड लाइन वाला ग्राफ देखिए मंडे को वेदर का अंदाजा लगाया गया टेम्परेचर का वो था 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा लेकिन रहा उससे ज्यादा उसके बाद देखिए ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर फोरकास्ट था ट्वेंटी उसके बाद वेडनसडे को टेम्परेचर फोरकास्ट कितना था ट्वेंटी फाइव उसके बाद थर्सडे को कितना था यहाँ देखिए ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव के बीच में यानी के ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फ्राइडे को देखिए यहाँ पर कितना था टेम्परेचर फोरकास्ट फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस सैटरडे को यहाँ देखिए कितना था 30 डिग्री सेल्सियस लेकिन संडे को जब आप देखेंगे तो संडे को जो टेम्परेचर टेम्परेचर फोरकास्ट है वो कितना है 35 डिग्री सेल्सियस तो इस पूरे वीक में जो मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट है वो 35 डिग्री सेल्सियस है इसीलिए यहां इसके आंसर में हमने लिखा 35 डिग्री सेल्सियस सी पार्ट में हमसे पूछा गया है वट वॉज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक यानी इस पूरे वीक में सबसे कम मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर क्या रहा तो इसका आंसर है 15 Celsius, के 15 डिग्री डिग्री सेल्सियस सेल्सियस यानी कि इस पूरे वीक में सबसे मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर था अब इसको यहां पर हम देखते हैं जो एक्चुअल टेम्परेचर है उसका ग्राफ ये है जो कि ये अनब्रोकन uh, लाइन है ये वाला देखिए मंडे को एक्चुअल टेम्परेचर कितना रहा 15 और 20 के मिड में यानी कि 17.5 ट्यूजडे को देखेंगे तो ये रहा ट्वेंटी उसके बाद को कितना रहा ये रहा ये पर देखिए थर्टी डिग्री सेल्सियस अभी तक हमें सबसे कम नहीं मिला वो यहां पर देखते हैं थर्सडे को कितना रहा एक्चुअल देखिए डिग्री सेल्सियस अभी तक यही सबसे कम है फ्राइडे को भी कितना रहा वही सेम फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस जो सबसे कम है सैटरडे को देखेंगे तो ये ऊपर आ गया बढ़ गया कितना हुआ ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस संडे को ये और ऊपर आ गया थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तो जो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर रहा वो कितना रहा फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस इसीलिए यहां पर इसके सी पार्ट के आंसर में हमने लिखा फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस तो इस पूरे वीक में जो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर था वो फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस था डी पार्ट में हमसे पूछा गया है ऑन विच डे डेट द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर यानी कि वीक में वो कौन सा ऐसा दिन था जब एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस करना है तो इसका आंसर है थर्सडे कैसे इसको चेक करते हैं। तो मंडे में देखते हैं मंडे में देखिए दोनों के बीच में कितना गैप है ये जो है ये फोरकास्ट टेम्परेचर है ये एक्चुअल टेम्परेचर है फिफ्टीन और ये सेवनटीन पॉइंट फाइव तो कितना गैप हुआ टू पॉइंट फाइव का ट्यूसडे को तो दोनों ही सेम है कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों के बीच में वेटनसडे को जो फोरकास्ट टेम्परेचर था वो 25 था और एक्चुअल रहा 30 यानी कि कितना कैप हुआ 5 डिग्री सेल्सियस का ठीक है तो अभी तक तो 5 सबसे बड़ा डिफरेंस है देखते हैं कोई और बड़ा डिफरेंस आता है कि नहीं थर्सडे को देखिए जो वेदर फोरकास्ट है वो है 20 और 25 के बीच में यानी के 22.5 टू ठीक है और एक्चुअल देखिए कितना है 15 तो ये कितना गैप हुआ 22.5 और 15 को अगर आप माइनस करके देखेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 7.5 डिग्री सेल्सियस का गैप तो अभी तक जो सबसे बड़ा गैप है वो यहां पर है 7.5 डिग्री सेल्सियस का फ्राइडे को देखिए दोनों सेम थे यानी कि दोनों टेम्परेचर के बीच में कोई गैप नहीं था कोई डिफरेंस नहीं था सैटरडे को देखिए टेम्परेचर फोरकास्ट था और जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो था 25 तो यहाँ फाइव का गैप है तो अभी तक भी सबसे बड़ा गैप यही है जो थर्सडे का था ठीक है और उसके बाद संडे को देखिए दोनों सेम है तो सबसे बड़ा गैप थर्सडे को आया जो कि 7.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस था इसीलिए यहाँ आंसर में हमने लिखा थर्सडे यानी कि थर्सडे को एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच में जो गैप था वो सबसे ज्यादा था क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे कहा गया है यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ रीनियर ग्राफ्स यानी कि यहां पर हमें जो ये दो टेबल्स दी गई है इस क्वेश्चन में हमें इनको यूज करके रीनियर ग्राफ्स बनाने हैं ए पार्ट में हमें दिया गया है द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स यानी कि कोई हिल साइड सिटी है कोई पहाड़ी इलाका है कोई माउंटेन एरिया है जहां पर अलग अलग ईयर्स में डिफरेंट ईयर्स में कितनी स्नोफॉल गिरी कितने दिनों तक स्नोफॉल गिरी वो हमें बताया गया है यानी यानी कि इस जगह पर 2003 में एट डेज ऐसे थे जब स्नोफॉल हुई फिर 2004 में इस जगह पर टेन डेज ऐसे थे जब स्नोफॉल हुई फिर 2005 में फाइव डेज स्नोफॉल हुई और 2006 में 12 डेज ऐसे थे जब स्नोफॉल हुई अब हमें इस डाटा को एक लीनियर ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो यहां पर ये जो ईयर्स हैं इन ईयर्स को हम शो करेंगे यहां एक्स एक्सिस पे 2003 2004 2005 2006 और ये जो नंबर ऑफ डेज है जो 12 तक जा रहे हैं इनको नंबर ऑफ डेज को हम दिखाएंगे यहां पर वाई एक्सिस पर देखिए सेम गैप लेना है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यहां पर ये एक एक का गैप हमने लिया है तो ये हो गए इयर्स और यहां वाई एक्सिस पर आ गया नंबर ऑफ डेज अब देखिए जब 2003 की बात होती है तो इसमें एट डेज ऐसे थे जब स्नोफॉल हुई तो 2003 में हमें कहाँ तक जाना है एट तक यानी कि यहां तक तो हम यहां एट पर ये पॉइंट इस तरीके से यहां पर प्लॉट करेंगे ठीक है तो 2003 में एट डेज तक स्नोफॉल हुई तो यहां पर ये पॉइंट आ गया उसके बाद 2004 में टेन डेज ऐसे थे जब स्नोफॉल हुई तो 2004 ये रहा इसमें आप कहाँ तक जाएंगे टेन तक जाएंगे यानी कि ये यहां तक देखिए टेन के आ गए यहां पर आप ये पॉइंट ऐसे प्लॉट कर देंगे ठीक है स्टूडेंट्स उसके बाद 2005 में फाइव डेज तक स्नोफॉल हुई यानी कि 2005 में आप कहाँ तक जाएंगे ये फाइव तक तो यहां पर इस तरीके से आप ये पॉइंट बनाएंगे छोटा सा और उसके ऊपर हल्का सा ये सर्कल सा बना देंगे तो 2005 में हम फाइव तक गए यानी कि फाइव डेज ऐसे थे 2005 में जब स्नोफॉल हुई उसके बाद 2006 में ऐसे 12 डेज थे जब स्नोफॉल हुई तो 2006 में आप कहां तक जाएंगे सबसे ऊपर ये 12 तक ठीक है देखिए 2006 में ऐसे 12 डेज थे जब स्नोफॉल हुई ठीक है अब हमने ये चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है अब हम इनको ज्वाइन करेंगे बस यहां पर आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ज्वाइनिंग करते वक्त सीक्वेंस सही रखना है कि 2003 वाले पॉइंट को 2004 वाले पॉइंट से करेंगे 2004 वाले पॉइंट को फिर 2005 वाले से और करेंगे और 2005 वाले पॉइंट को फिर आप 2006 वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये नहीं कि किसी को भी किसी ज्वाइन कर दिया सीक्वेंस सही रहना चाहिए तो पहले इस फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को हम यहां पर ऐसे ज्वाइन करते हैं उसके बाद अगले दो पॉइंट्स कौन से हुए ये दो पॉइंट्स यानी कि 2004 और 2005 वाला पॉइंट इनको ज्वाइन करते हैं उसके बाद 2005 और 2006 वाले पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर दिया है अब यहाँ एक और चीज देखिए कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो रीनियर ग्राफ होगा लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि ये रीनियर ग्राफ नहीं बना है जो डाटा हमें दिया गया है उसको जब हमने रिप्रेजेंट किया तो ये लाइन ग्राफ बना रीनियर ग्राफ में तो एकदम स्ट्रेट लाइन जाती है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं इसकी पोजिशन बार बार बदल रही है तो ये लाइन ग्राफ बना है यहां पर इसके बाद बी पार्ट में हमसे कहा गया है पॉपुलेशन इन थाउजेंड ऑफ मैन एंड वीमेन इन अलेज इन डिफरेंट इन यानी कि यहाँ पर इस टेबल में हमें एक डाटा दिया गया है जिसमें हमें यह बताया गया है कि किसी विलेज में डिफरेंट ईयर्स में नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वन कितने थे जैसे कि टू थाउजेंड थ्री में इस विलेज में नंबर ऑफ मैन थे ट्वेल्व और नंबर ऑफ वुमेन थे इलेवन पॉइंट थ्री टू थाउजेंड फोर में नंबर ऑफ मैन थे ट्वेल्व पॉइंट फाइव और नंबर ऑफ वुमेन थे इलेवन पॉइंट नाइन 2005 में दोनों सेम थे नंबर ऑफ मैन भी इस विलेज में 13 थे और नंबर ऑफ विमेन भी 13 थी ऐसे 2006 का डाटा दिया गया है और 2007 का डाटा दिया गया है अब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं और फिर देखते हैं कि रीनियर ग्राफ बनता है या लाइन ग्राफ बनता है अब देखे स्टूडेंट्स कि जो डाटा है इसमें जो इयर्स हैं इनको हम एक्स एक्सिस पर शो करेंगे 2003, 2004, 5, 6, 2007 और ये जो डाटा है यानी कि नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन इसको हम दिखाएंगे यहां पर वाई एक्सिस पे अब सबसे बड़ी वैल्यू जो नजर आ रही है यहां पर वो है थर्टीन पॉइंट सिक्स तो यहां पर हम ये फोर्टीन तक डाटा लेकर जाएंगे वाई एक्सिस पे देखिए, जीरो से स्टार्ट होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कहां तक जाएगा फोर्टीन तक और नंबर ऑफ मेन का जो ग्राफ होगा उसे हम डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाएंगे और जो नंबर ऑफ विमेन का ग्राफ होगा वो ऐसे सिंपल लाइन बनेगी अनब्रोकन लाइन होगी इस तरीके की तो पहले हम नंबर ऑफ मैन वाला ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम नंबर ऑफ वीमेन वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ मैन देखिए 2003 में नंबर ऑफ मैन थे 12, यानी कि 2003 में यहां पर आप कहा तक जाएंगे 12 तक तो यहां पर आप ये 12 पर ये पॉइंट इस तरीके से बनाएंगे और छोटा सा इसके ऊपर ये सर्कल बना देंगे ठीक है उसके बाद 2004 में नंबर ऑफ मैन है 12.5 तो ये जो 2004 है इसमें आप कहाँ तक जाएंगे 12.5 पॉइंट कहाँ आएगा 12 और 13 के बीच में तो ये 2004 है और इसमें आप ऊपर तक आए और यहाँ 12 और 13 का जो मिड पॉइंट है ये 12 और 13 के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट आएगा 12.5। इसको पॉइंट रहेंगे यहाँ पर और इसके ऊपर छोटा सा ये सर्कल बना देंगे अब यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमने ये देखिए दो दो यूनिट का गैप लिया है 2003 थाउजेंड फिर ये छोड़ा यहां 2004 ये छोड़ा यहाँ 2005 एक छोड़ के 2006 फिर वन का गैप लेके यहाँ पे 2007 आप चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2003 थ्री यहां पे 2004 फिर 2005 2006 2007 थाउजेंड अब हमने इस तरीके से गैप लिया बस ये ध्यान रखना है कि गैप सेम लेना है यहां पर अगर इतना गैप है तो यहां पर भी उतना ही गैप आगे होना चाहिए अब 2005 में नंबर ऑफ मैन कितने हैं 13 तो देखिए ये है 2005 इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे और ये यहाँ पर ये 13 आ जाएगा यहाँ पर ये 13 पे छोटा सा पॉइंट बनाएंगे और छोटा सा इसके ऊपर सर्कल बना देंगे इसके बाद 2006 में नंबर ऑफ मैन है 13.2 अब आप 13.2 को कैसे दिखाएंगे देखिए 2006 में यहां आप ऊपर आएंगे 13 तक अब ये ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि अगर आप इस तरीके से गैप रहते हैं ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन का गैप है. 1, 1 के गैप है के में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो आपको अभी ये नजर आ रही है थर्टीन के ऊपर वाली जो लाइन होगी होगी थर्टीन पॉइंट वन उसके ऊपर थर्टीन पॉइंट टू उसके ऊपर थर्टीन पॉइंट थ्री ये इस तरीके से चलता है तो अगर यहां पर देखिए ये टू थाउजेंड सिक्स है इसमें आप ऊपर की तरफ जाते हैं ये थर्टीन है थर्टीन के ऊपर वाली लाइन थर्टीन पॉइंट वन और उसके ऊपर वाली लाइन थर्टीन पॉइंट टू होगी तो यहां इस तरीके से थर्टीन के ऊपर जो सेकेंड लाइन आएगी उस पर छोटा सा पॉइंट बनाएंगे और छोटा सा सर्कल बनाएंगे ये थर्टीन पॉइंट टू होगा उसके बाद टू थाउजेंड सेवन में नंबर ऑफ मैन है थर्टीन पॉइंट फाइव अब ये बहुत ही ईजी हो जाएगा देखिए टू थाउजेंड सेवन इसमें आप ऊपर की तरफ जाएंगे ये थर्टीन है ये फोर्टीन है दोनों का जो मिड पॉइंट होगा यही थर्टीन पॉइंट फाइव होगा अगर आप दूसरे तरीके से चेक करें तो थर्टीन के ऊपर पहली लाइन थर्टीन पॉइंट वन अगली लाइन थर्टीन पॉइंट टू अगली लाइन थर्टीन पॉइंट थ्री फिर थर्टीन पॉइंट फोर और ये थर्टीन पॉइंट फाइव थर्टीन और फोर्टीन के बिल्कुल मिडल में यहां पर थर्टीन पॉइंट फाइव आएगा अब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और नंबर ऑफ मैन वाला ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा अब जैसा हमने पहले आपको बताया था कि डॉटेड लाइन से हम नंबर ऑफ मैन के ग्राफ को दिखाएंगे तो यहां पर जब हम इनको ज्वाइन करेंगे सभी पॉइंट्स को तो ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे यानी कि कुछ इस तरीके से डॉट से होते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम इनको ज्वाइन करेंगे ये दो पॉइंट ज्वाइन हो गए फिर ये नेक्स्ट वाला करते हैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपने डॉटेड लाइन में दिखाने हैं अब ये दोनों पॉइंट्स भी हम ज्वाइन कर देंगे ये ये दोनों पॉइंट्स भी ज्वाइन हो गए और उसके बाद ये लास्ट ये बचे इनको भी हम ज्वाइन कर देते हैं तो यहां पर ये नंबर ऑफ मैन वाला जो ग्राफ है वो यहां पर ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है अब हम नंबर ऑफ विमेन वाला ग्राफ यहां पर दिखाएंगे 2003 में नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी 11.3 अब देखिए ये है 2003 इसमें आप आएंगे 11 तक 11 और 12 के बीच में देखिए यहां पर ये 11 है 11 के ऊपर अगली लाइन 11.1 पॉइंट वन अगली लाइन इलेवन पॉइंट और उससे अगली लाइन 11.3 होगी तो ये 11 के ऊपर एक दो तीन ये जो थर्ड लाइन होगी इसको हम छोटा सा यहाँ पर ये पॉइंट बनाएंगे और उसके ऊपर छोटा सा सर्कल बना देंगे उसके बाद 2004 में नंबर ऑफ वीमेन है 11.9 पॉइंट नाइन अब इलेवन पॉइंट आएगा 11 और 12 के बीच में देखिए 12 से जो नीचे वाली लाइन है ये 11.9 होगी और अगर आप 11 से स्टार्ट करते हैं तो हर लाइन को काउंट करते जाइए एक लाइन ऊपर 11.1 पॉइंट वन फिर इलेवन पॉइंट टू इलेवन पॉइंट थ्री इलेवन पॉइंट फोर इलेवन पॉइंट फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेल्थ से नीचे वाली जो लाइन होगी ये होगी इलेवन पॉइंट नाइन इस पे छोटा सा पॉइंट और उसके ऊपर छोटा सा सर्कल बना देंगे यहां पर उसके बाद 2005 में नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 13 देखिए नंबर ऑफ मैन भी 2005 में 13 है और नंबर ऑफ वुमेन भी 13 है तो अगर आप 2005 में देखते हैं तो इसमें आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो 13 है ये ऑलरेडी पॉइंट यहां पर बना हुआ है ये नंबर ऑफ मैन के लिए भी है और नंबर ऑफ वुमेन के लिए भी है क्योंकि 2005 में नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन दोनों ही 13 है तो ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है इसके बाद 2006 में नंबर ऑफ वीमेन है 13.6 अब यहां पर हमें क्या दिखाना है 13.6 तो ये है 2006 इसमें आप ऊपर की तरफ आएंगे तो 13.6 पॉइंट आएगा 13 और 14 के बीच में ये 13 है ये 14 है इनके बीच में आएगा अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स कि अगर ये 13 है तो और हमें 13.6 तक जाना है तो यहाँ पर एक एक लाइन एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है यानी कि ऊपर वाली लाइन 13.1 फिर 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13 और 14 के बिल्कुल मिड में तो 13.5 आ गया और उससे ऊपर वाली जो लाइन है वो 13.6 होगी तो यहाँ पर ये 13.5 जो मिड है इसके ऊपर वाली लाइन 13.6 है इसको छोटा सा पॉइंट और उसके ऊपर छोटा सा सर्कल बना देंगे तो ये आ गया थर्टीन और उसके बाद 2007 में नंबर ऑफ वीमेन कितनी है 12.8 तो ये 12 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए 2007 है इसमें आप ऊपर की तरफ जाएंगे 12.8 आएगा 12 और 13 के बीच में और ये 13 से दो लाइन नीचे की तरफ आएगा नीचे से चेक करें तो 12.1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर से चेक करें थर्टीन से दो पॉइंट नीचे आएगा ट्वेल्व तो यहां पर ये थर्टीन से दो पॉइंट नीचे हम ये छोटा सा पॉइंट बनाते हैं और ये छोटा सा सर्कल बनाते हैं ये हो गया ट्वेल्व पॉइंट एट अब हम इन सभी पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देंगे और नंबर ऑफ वुमेन को हम ये अनब्रोकन लाइन से ऐसे दिखाएंगे तो इनको नॉर्मल लाइन के साथ ही हम ज्वाइन करेंगे पहले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ये हो गया इसके बाद ये थर्ड पॉइंट ये है जो कॉमन था नंबर ऑफ मैन और वुमेन के लिए ये हो गया उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये नेक्स्ट पॉइंट ये रहा इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद लास्ट आएगा ये वाला पॉइंट ज्वाइन होगा इसके इसके साथ ये भी हमने ज्वाइन कर दिया है तो इस तरह से हमने यहां पर नंबर ऑफ मैन को यहां इस ग्राफ के द्वारा दिखाया और नंबर ऑफ वुमेन का ग्राफ ये वाला है और ये कौन सा ग्राफ बना यहां पर आप देख सकते हैं ये भी लीनियर ग्राफ नहीं है लाइन ग्राफ है क्योंकि इसमें भी जो पोजीशन है आप देख सकते हैं पोजीशन बार बार यहां पर बदल रही है तो ये लीनियर ग्राफ नहीं बना लीनियर ग्राफ तो एकदम स्ट्रेट जाता है यहां पर यह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है इन दोनों ही ग्राफ्स की पोजिशन बदल रही है तो ये लाइन ग्राफ बना है सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अ कोरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ अब इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कुरियर कुरियर पर्सन है है करने वाला जो कि साइकिल से गया एक मर्चेंट के पास उसका पार्सल उसे डिलीवर करने के लिए पार्सल देने के लिए और यहां जो यह जो ये ग्राफ दिया गया है इसमें हमें वो डिस्टेंस बताया गया है टाइम के साथ के कितने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उस पार्सल को डिलीवर करने के लिए देखिए एक्स एक्सिस पर क्या है यहां पर टाइम दिया गया है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस बताया गया है इन किलोमीटर अब हम इस ग्राफ को जरा समझते हैं एट ए एम पर उसने चलना शुरू किया एट ए एम से नाइन ए एम तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया टेन किलोमीटर नाइन ए एम से टेन ए एम तक 10 से आगे बढ़कर वो पहुंच गया किलोमीटर तक यानी 6 किलोमीटर का और डिस्टेंस कवर हो गया यानी कि टेन ए एम तक एट से 10 तक वो सिक्सटीन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका था अब 10 से लेकर टेन थर्टी तक देखिए यहां पर ये टेन ए एम है ये इलेवन ए एम है उनके बिल्कुल सेंटर में क्या होगा टेन थर्टी 10 से लेकर टेन थर्टी तक उसका जो डिस्टेंस है वो सेम दिखा रहा है सिक्सटीन किलोमीटर यानी कि आधे घंटे के जो कह सकते हैं कि वो एक ही जगह पर रुका हुआ था हो सकता है रेस्ट कर रहा वो यहां पर रुका हुआ था फिर टेन थर्टी से ये क्या है टेन थर्टी टेन थर्टी से वो आगे बढ़ा कहाँ तक देखिए ये वाला पॉइंट इलेवन और ट्वेल्व के मिड में इलेवन थर्टी तक यानी कि टेन थर्टी से इलेवन थर्टी तक उसने आगे फिर डिस्टेंस कवर किया और अब वो पहुंच गया ट्वेंटी टू किलोमीटर तक और यही उसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी यानी कि टेन थर्टी से इलेवन थर्टी तक वो सिक्सटीन से ट्वेंटी टू किलोमीटर तक पहुंचा यानी कि छ किलोमीटर का डिस्टेंस उसने यहां पर भी कवर किया और फिर उसकी जर्नी यहाँ पर कंप्लीट हो गई तो क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सेस यानी टाइम एक्सिस पर कौन सा स्केल दिया गया है अब यहां पर देखिए यहां पर ये फोर यूनिट्स वन आवर के बराबर है कैसे एट एम से नाइन एम के बीच में देखिए वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट यानी फोर यूनिट वन आवर के इक्वल ली गई है टाइम एक्सिस पर तो यहां पर हम लिखेंगे फोर यूनिट इज इक्वल टू वन आवर ये स्केल लिया गया है टाइम एक्सिस के लिए और अगर आप यहां पर देखें तो सब जगह यही सेम कंसेप्ट है वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट फोर यूनिट में नाइन से टेन ए एम आ गया फिर टेन से इलेवन के बीच में वन टू थ्री फोर यूनिट इलेवेंथ से ट्वेल्व के बीच में वन टू थ्री फोर यूनिट तो टाइम एक्सिस पर हर जगह फोर यूनिट का मतलब है वन आवर उसके बाद बी पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मच टाइम डेड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल यानी कि इस पूरी ट्रेवलिंग में इस पूरे सफर में इस, इस व्यक्ति को कितना टाइम लगा तो इसका आंसर हमने लिखा है थ्री एंड हाफ आवर्स यानी कि साढ़े तीन घंटे कैसे इसको अब हम चेक करते हैं अब देखिए स्टूडेंट्स एट ए एम पर ये जो जर्नी थी स्टार्ट हुई यहां से स्टार्ट होते हुए ये यहां तक पहुंची यानी कि ये 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कुरियर पर्सन ने ट्रेवल किया अब यहाँ पर नीचे की तरफ आई एक्स एक्सेस पर तो आपको टाइम पता चल जाएगा यानी कि यहां से नीचे आएंगे तो ये वाला पॉइंट मिलता है इलेवन और ट्वेल्व के बिल्कुल मिड में जो क्या होगा इलेवन यानी कि के एट ए एम से जर्नी स्टार्ट हुई और कहा खत्म हुई इलेवन थर्टी पर खत्म हुई यानी कि थ्री एंड हाफ आवर साढ़े तीन घंटे का ये टोटल जर्नी था इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे थ्री एंड हाफ आवर्स यानी कि इस पूरे सफर को तय करने में इस व्यक्ति को साढ़े तीन घंटे का समय लगा उसके बाद सी पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन यानी कि जिस मर्चेंट तक ये पार्सल लेकर जाना था वो जो मर्चेंट था वो जिस जगह पे रहता था वो टाउन से कितना दूर था तो इसका आंसर है 22 किलोमीटर कैसे देखिए यहां से जर्नी स्टार्ट हुई और अगर आप डिस्टेंस देखेंगे वाई एक्सिस डिस्टेंस को दिखा रहा है तो ये यह डिस्टेंस यहां पर आकर कंप्लीट होता है जो यहां पर आप देख सकते हैं ट्वेंटी किलोमीटर है यानी कि जो मर्चेंट था वो टाउन से ट्वेंटी किलोमीटर के डिस्टेंस पर था जहां तक ये पार्सल पहुंचाया गया इसके बाद डी पार्ट में हमसे पूछा गया है डेट द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन यानी कि पार्सल लेकर जो ये व्यक्ति जा रहा था क्या रास्ते में कहीं पर वो रुका था हमें इसके बारे में बताना है तो इसके आंसर में हमने लिखा है ये जैसा कि अभी ग्राफ स्टडी में हमने आपको बताया था जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे इस ग्राफ को देख रहे थे उसमें भी हमने समझाया था कि व्यक्ति बीच में रुका था दिस इज इंडिकेटेड बाय द होरिजोनटल पार्ट ऑफ द ग्राफ 10 ए एम टू टेन थर्टी ए एम यानी ये 10 से 10. 30 के बीच में एक जगह पे रुका था, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल पार्ट से हमें नजर आया कैसे यहां पर देखिए जब टेन ए एम का टाइम हुआ तो डिस्टेंस है सिक्सटीन और उसके बाद देखिए उसके बाद यहां पर देखिए यहां पर भी सेम डिस्टेंस है देखिए टेन ए एम पर डिस्टेंस कितना है सिक्सटीन किलोमीटर और इस पॉइंट को देखिए ये है टेन थर्टी टेन और इलेवन के बिल्कुल मिड में यानी कि दस बजे वो व्यक्ति यहाँ पर था सोलह किलोमीटर के डिस्टेंस पर जब टेन थर्टी हुआ आधा घंटा बीत गया अभी भी वो यहीं पर है सिक्सटीन किलोमीटर पे यानी इस आधे घंटे के दौरान वो एक ही जगह पे रुका हुआ था और ये एक होरिजोनटल लाइन है इस तरीके की वर्टिकल लाइन होती है नीचे से जो ऊपर की तरफ जाती है होरिजोनटल लाइन इस तरीके से होती है तो ये होरिजोनटल लाइन हमें बता रही है कि 10 से के बीच में ये व्यक्ति जो था वो एक ही जगह पे रुका हुआ था इसीलिए यहां पर हमने लिखा कि हाँ वो व्यक्ति एक ही जगह पे रुका हुआ था ये हॉरिजॉन्टल पार्ट से हमें इसमें ग्राफ में पता चलता है और ये पीरियड था ये टाइम था टेन ए एम से टेन थर्टी के बीच में इसके बाद ई पार्ट में हमसे कहा गया है ड्यूरिंग विच पीरियड डेड ही राइड फास्टेस्ट यानी के वो कौन सा टाइम पीरियड था वो कौन सा आवर था या कौन सा समय था जब उस व्यक्ति ने सबसे फास्टेस्ट राइड की जब उसने बहुत स्पीड से अपने सफर को तय किया तो यहां पर हम आंसर में लिखेंगे बिटवीन 8 ए एम एंड 9 ए एम यानी 8 ए एम और 9 ए एम के बीच में इस व्यक्ति ने सबसे फास्टेस्ट सफर को तय किया फास्टेस्ट राइड करी कैसे यहां पर देखिए ये एट ए एम है या नाइन ए एम है एट ए एम से स्टार्ट हुआ जीरो से कहा तक पहुंचा टेन तक यानी कि इस वन आवर में इस व्यक्ति ने टेन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया अब आगे देखिए नाइन से टेन के बीच में क्या हुआ टेन से पहुंचा सिक्सटीन तक यानी कि सिक्स किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया टेन से इलेवन के बीच में देखिए ये टेन है तब था सिक्सटीन इलेवन में आएंगे तो यहां पर यह पॉइंट आएगा लगभग एटीन पॉइंट फाइव के आसपास में यानी कि यहां पर भी जो डिस्टेंस कवर किया वो ज्यादा नहीं था उसके बाद 1130 तक वो यहां से यहां तक पहुंचा ये डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है ये भी छोटे छोटे पार्ट्स में है सबसे बड़ा डिस्टेंस यहां पर है एट ए एम से नाइन ए एम के बीच में जो स्पीड थी इस व्यक्ति की वो सबसे ज्यादा तेज थी यहां पर यह सबसे तेजी से चला था इसीलिए यहां पर हमने लिखा बिटवीन एट ए एम एंड नाइन ए एम इसकी जो स्पीड थी वो सबसे ज्यादा थी इसने बहुत फास्ट अपना डिस्टेंस कवर किया था सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कैन बी अ टाइम ग्राफ एस जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें ये बताना है कि क्या इस तरह के टाइम टेम्परेचर ग्राफ को बनाया जा सकता है या नहीं देखिए यहां पर एक्स एक्सिस पर चारों ग्राफ में टाइम दिया गया है और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर दिया गया है अब इस ग्राफ को देखिए कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट इस तरीके से ग्राफ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है टाइम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है तो ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा ग्राफ बनाया जा सकता है ये एक लीनियर ग्राफ है ये इस तरीके से बन भी सकता है टेम्परेचर के केस में कि टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी रहा है। पर कि बढ़ रहा है लेकिन तो तो बनाया जा सकता है इस थर्ड को देखिए ये पॉसिबल नहीं है देखिए टाइम नहीं बढ़ रहा टाइम एक ही जगह पर है लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो हम तो जानते हैं कि टाइम रुकता थोड़े टाइम तो इंक्रीज होता ही है टाइम तो आगे बढ़ता रहता है लेकिन इस ग्राफ में क्या दिखाया गया टाइम तो एक ही जगह पे है लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है तो यहां पर ये जो थर्ड ग्राफ हमें दिया गया है ये नहीं बनाया जा सकता है जरा इस फोर्थ को भी देखिए कि टाइम भी आगे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ टेम्परेचर एक ही जगह पे रुका हुआ है देखिए टेम्परेचर इतना था तो इतने पे ही आगे आगे जाता जा रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है तो ये भी पॉसिबल है कि टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये तीन टाइम टेम्परेचर ग्राफ तो बनाए जा सकते हैं लेकिन ऐसा टाइम टेम्परेचर ग्राफ नहीं बनाया जा सकता जिसमें टाइम रुका हुआ है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये थर्ड ग्राफ पॉसिबल नहीं है तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं दिस ग्राफ यानी कि थर्ड पार्ट जो है थर्ड ऑप्शन दिस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बल्कि सही लाइन ये रहेगी दिस टाइम टेम्परेचर ग्राफ इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ है आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू